साथ स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नीलांचल क्लासेस पर। तो चलो चर्चा करते हैं आज के नए टॉप 10 करंट अफेयर के साथ। तो मूव ऑन करेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन है, जिसका पहला विकल्प इस प्रकार है, पंकज कुमार, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका कमलेश कुमार पंत, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका अभय कुमार सिंह, अभय कुमार सिंह, और इसका लास्ट विकल्प है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, सरदार इकबाल इकबाल सिंह लालपुरा। आपको बताना है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें कि अल्पसंख्यक आयोग जो है, अल्पसंख्यक आयोग की क्या, जो अल्पसंख्यक आयोग है वो संवैधानिक बॉडी है या नहीं, तो जी नहीं, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग का संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है। यह एक सांविधिक आयोग है। कैसा आयोग है? सांविधिक, जिसका संविधान में कहीं वर्णन नहीं है। तो हमने पहले क्वेश्चन में क्या देखा कि अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन है, तो वो है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। साथ में ही हमें जाना कि अल्पसंख्यक आयोग जो है वो कैसी बॉडी है, तो वो है लीगल बॉडी, जिसका संविधान में कहीं वर्णन नहीं है। तो मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है, तमिलनाडु ने किस देश के साथ भागीदारी करके मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने की कोशिश की है। कौन सा द्वीप बनाया जा रहा है? ऊर्जा द्वीप। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है, ए स्पेन, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका स्वीडन, ऑप्शन सी हो जाएगा डेनमार्क। ऑप्शन सी हो लास्ट हो जाएगा इसका जापान। आपको क्या बताना है कि ऊर्जा द्वीप किसने मिलकर है, तमिलनाडु ने किस देश के साथ भागीदारी करके, तो किस देश के साथ भागीदारी करिए, यह है डेनमार्क। डेनमार्क के साथ भागीदारी करके तमिलनाडु ने एक ऊर्जा द्वीप बनाने की कोशिश की है कि, और ये ऊर्जा द्वीप जो है वो कितने गीगावाइट ऊर्जा उत्पन्न करेगा, तो इसका सही हो जाए चार से दस गीगावाइट ऊर्जा उत्पन्न करेगा। बात करें 2022 तक की जो नवीकरण है ऊर्जा का लक्ष्य है वो है 175 गीगावाइट 2022 तक नवीकरण है ऊर्जा का लक्ष्य है। कितना है? 175 गीगावाट। वही बात करें 2023 तक, तो वो
2030 तक 450 गीगावाट। बात करें कि जो डेनमार्क है, डेनमार्क कौन से प्रायद्वीप पर स्थित है, तो वो है जटलैंड प्रायद्वीप। डेनमार्क कौन से प्रायद्वीप पर स्थित है? जटलैंड प्रायद्वीप। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि तमिलनाडु डेनमार्क के साथ भागीदारी करके एक ऊर्ध्वद्वीप बनाने जा रहा है, और जो आपका डेनमार्क है वो जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है, और ये ऊर्ध्वद्वीप बनेगा कितने गीगावाट की ऊर्जा उत्पन्न करेगा, तो वो है 4 से 10 गीगावाट। और 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य कितना है? 175 गीगावाट। और जो 2030 तक हो जाएगा 475 गीगावाट। तो मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। उत्तराखंड के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या बताना है? उत्तराखंड के नए राज्यपाल, जिसके 4 विकल्प इस प्रकार है। ऑप्शन ए जगदीश मुखी, जगदीश मुखी। ऑप्शन बी हो जाएगा राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उर्जित पटेल। ऑप्शन डी हो जाएगा गुरमीत सिंह। इसमें आपको क्या बताना है कि उत्तराखंड के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन इस प्रकार थे, जगदीश मुखी, राजेंद्र सिंह, उर्जित पटेल और गुरमीत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरमीत सिंह। किसके स्थान पर राज्यपाल नियुक्त हुए हैं? तो बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। किसके स्थान पर? बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, तो उनके स्थान पर कौन बने हैं? गुरमीत सिंह। और बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर सन 2000 में, 1 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड की स्थापना हुई। बात करें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तो वो है पुष्कर सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह। बात करें उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो देहरादून। राजधानी देहरादून। और अगर हम बात करें ग्रीष्मकालीन कैपिटल कौन सी है उत्तराखंड की? तो वो है गैरसैंण। कौन, क्या कैपिटल है? गैरसैंण। दृश्यम को सही कर लेते हैं, ग्रीष्मकालीन। तो वो क्या है? गैरसैंण। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि उत्तराखंड के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर था गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह ने किसके स्थान पर राज्यपाल बनाया गया है?
तो बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, जिनके स्थान पर गुरमीत सिंह को नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं हमने बात की उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड इसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह। राजधानी कौन सी है? देहरादून। ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, जो कि अस्थाई है। मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। चर्चा में रहा क्यूब ताल का अवनार लोक क्या है? क्या बताना है? क्यूब ताल का अवनार लोक। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, टी का। ऑप्शन सी वायरस। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका कवक। तो आपको बताना क्यूब तार का अवनार लेख क्या है? तो जिसका क्यूब तार का अवनार लेख का अर्थ क्या होता है? अर्थ की बात करें तो सबसे उत्तरी दीप। जिसके अर्थ से निकल आ रहा कि ये क्या है? एक द्वीप है, ठीक है। क्यूब अब ये स्थित कहां पर है? ग्रीनलैंड के सबसे उत्तर में। ये ग्रीनलैंड है आपका, ग्रीनलैंड, और इसके उत्तर में यहां पर द्वीप स्थित है। कौन सा? क्यूब तार का अवनार लेक द्वीप स्थित है। अब बात करेंगे हम ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है? तो ग्रीनलैंड की कैपिटल है नूक। राजधानी नूक। ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक, और अधीन किसके है? ये डेनमार्क के। ग्रीनलैंड किसके अधीन है? डेनमार्क के। जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क के अधीन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या जाना कि जो क्यूब ताल का अवनार लोक क्या है? तो ये क्या है? एक द्वीप है। कहाँ पर स्थित है? ग्रीनलैंड में स्थित है। और ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? तो वो है नूक। और ग्रीनलैंड किसके अधीन है? डेनमार्क के अधीन है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? हिमालय दिवस। ऑप्शन है 7 सितंबर, 7 सितंबर। ऑप्शन बी 8 सितंबर। ऑप्शन सी हो जाएगा 10 सितंबर। ऑप्शन डी हो जाएगा 12 सितंबर। आपको क्या बताना है कि हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो जिसका सही आंसर है 8 सितंबर। 8 सितंबर 2021 हिमालय दिवस की थीम क्या थी? तो वो थी हिमालय का योगदान और जिम्मेदारियां थी। हिमालय का योगदान और जिम्मेदारी। आठ सितंबर 2021 हिमालय दिवस की थीम थी हिमालय का योगदान और जिम्मेदारी।
तो इस क्वेश्चन में हमने जान लिया कि हिमालय दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 8 सितंबर को। थीम क्या थी? हिमालय का योगदान और जिम्मेदारी। तो मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉब वर्ल्ड नाम से अपना नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा करने वाला कौन सा बैंक है? कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च कराया है इसने? बॉब वर्ल्ड नाम से अपना नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। ऑप्शन ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो क्या क्वेश्चन था? बॉब वर्ल्ड, बॉब वर्ल्ड नाम का एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? तो जिसके, जैसे कि इसके नाम से ही पता चला, बॉब BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वर्ल्ड नाम से अपना डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो किस लिए लॉन्च किया है? ताकि जो बैंकिंग संबंधी जितनी भी सेवा है वो सभी एक प्लेटफॉर्म पर आ सके। बैंकिंग संबंधी सभी सेवाएं एक प्लेटफॉर्म पर आ सके, एक फॉर्म पर आ सके। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंकिंग संबंधी सभी सेवाएं एक प्लेटफॉर्म पर आ सके, उसके लिए बॉब वर्ल्ड नाम का एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। कौन सा ऐप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बॉब वर्ल्ड, जिसके नाम की फुल फॉर्म है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिससे आपको आंसर करने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्यों कराया है? तो बैंकिंग संबंधी सभी सेवाएं एक प्लेटफॉर्म पर आ सके। तो मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है, किस राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम शुरू किया है? आपको बताना है किस राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके ऑप्शन है ए गुजरात, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका तेलंगाना, ऑप्शन सी हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन डी हो जाएगा महाराष्ट्र। आपको बताना है कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
तेलंगाना। इस कार्यक्रम में क्या करा जाएगा तो ड्रोन द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ड्रोन द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। कौन कौन शामिल है इसमें? तो इसमें नीति आयोग और विश्व आर्थिक मंच शामिल है। नीति आयोग और विश्व आर्थिक मंच शामिल है। कब स्टार्ट हुआ? तो स्टार्ट हुआ है 11 सितंबर 2021 को। 11 सितंबर 2021 को स्टार्ट हुआ है। बात करें मेडिसिन की तो मेडिसिन कहाँ से आएंगी? दवाइयां इसमें आएंगी अपोलो हॉस्पिटल से। अपोलो हॉस्पिटल से मेडिसिन आएंगी। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम कौन से राज्य ने शुरू किया है? तो वो शुरू किया है तेलंगाना ने। तेलंगाना ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में क्या होगा? ड्रोन द्वारा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कौन कौन शामिल है? नीति आयोग और विश्व आर्थिक मंच। स्टार्ट कब हुआ है? तो 11 सितंबर 2021 को। तो मेडिसिन कहाँ से आएंगी? अपोलो हॉस्पिटल से। तो मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार से है। वेस्ट नाइल वायरस पहली बार किस देश में पाया गया? कौन सा वायरस? वेस्ट नाइल वायरस। वेस्ट नाइल वायरस किस देश में पाया गया? तो इसके चार विकल्प इस प्रकार है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी युगांडा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका केन्या। तो वेस्ट नाइल वायरस किस देश में सबसे पहले पाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा युगांडा में। और वेस्ट नाइल वायरस के फैलने की चेतावनी दी है। कैसा वायरस है? फ्लेवी वायरस। कौन कौन से बीमारी होती है? पीला बुखार, डेंगू, मलेरिया। फैलता किससे? मच्छरों से। कौन से मच्छर से? तो मच्छर है क्यूलेक्स मच्छर। सबसे पहले किसमें होगा? पक्षियों से कहां फैलेगा? मनुष्य में। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या जाना कि वेस्ट नाइल वायरस किस देश में सबसे पहले पाया गया? तो जिसका सही आंसर था युगांडा, जिसको रूस ने फैलने की चेतावनी दी है। वेस्ट नाइल वायरस कैसा वायरस है? तो ये फ्लेवी वायरस है। फ्लेवी वायरस के अंदर कौन कौन सी बीमारियां जाएंगी? पीला बुखार, डेंगू, मलेरिया। होता किससे? मच्छरों से। मच्छर का नाम क्यूलेक्स मच्छर। सबसे पहले किसमें होगा? पक्षियों में, पक्षियों से मनुष्य में। तो मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार से है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस ए 11 जुलाई,
ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 29 जुलाई। 29 जुलाई। ऑप्शन सी 26 जुलाई। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका 28 जुलाई। 28 जुलाई। तो बताना क्या है आपको, विश्ववाद दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्ववाद दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 29 जुलाई 2021 में बाल दिवस की थीम क्या थी? तो उनका अस्तित्व हमारे हाथों में थी। उनका अस्तित्व हमारे हाथों में, बात करें कि 29 जुलाई को भी बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, तो देखेंगे 2010 में एक घोषणा पत्र आया था जिसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। उसमें उनका उद्देश्य था कि बाघों की संख्या दोगुनी करना 2022 तक, तभी से 29 जुलाई को बाल दिवस मनाया जाता है। तो 2010 में क्या आया था? 2010 एक घोषणा पत्र आया था जिसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। घोषणा पत्र। जुलाई 2010 में घोषणा पत्र आया था जिसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, जिसका उद्देश्य था बाघों की संख्या दोगुनी करना, की संख्या दोगुनी करना, करना कब तक? 2022 तक। तो तब से ही 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। बात कर लेते हैं जुलाई के और अन्य महत्वपूर्ण दिवस की, तो वो इस प्रकार है जैसे कि 11 जुलाई। 11 जुलाई क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस। जनसंख्या दिवस दिवस 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस। इसे साइड में देते हैं, कारगिल विजय दिवस। गिल विजय दिवस। और बात करें 28 जुलाई की, तो 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या जाना कि राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई 2021 बाघ दिवस की थीम क्या थी? उनका अस्तित्व हमारे हाथों में। बात करें कि 29 जुलाई को ये बाघ दिवस क्यों मनाया जा रहा है, तो हम देखेंगे कि 2010 29 जुलाई को एक घोषणा पत्र आया था जिसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र, जिसका उद्देश्य क्या था? बाघों की संख्या दोगुनी करना, कब तक? 2022 तक। तो अगर देखें 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस। और बात करें 26 जुलाई की, तो 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस। साथ में देखें 28 जुलाई को, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। तो मूव ऑन करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। चर्चा में रहा स्काई स्ट्राइकर क्या है? स्काई स्ट्राइकर, इसके चार विकल्प इस प्रकार से हैं, अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष यान। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका वायरस। वायरस। ऑप्शन सी हो जाएगा ड्रोन। ऑप्शन डी हो जाएगा मछली की प्रजाति। मछली की प्रजाति। तो आपको बताना है स्काई स्ट्राइकर क्या है? तो स्काई स्ट्राइकर एक ड्रोन है। क्या है स्काई स्ट्राइकर? ड्रोन। कैसा ड्रोन है? सुसाइड ड्रोन।
पदार्थ से, स्फोटक पदार्थ से। अगर बात करें इसकी रेंज की तो रेंज कितनी है 100 किलोमीटर रेंज। इसी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपना लक्ष्य स्वयं ढूंढ लेता है, लक्ष्य स्वयं ढूंढ लेता है, लेता है। इस क्वेश्चन में हमने क्या देना है, इसका एक स्ट्राइकर क्या है, तो एक ड्रोन है। कैसा ड्रोन है, सुसाइड ड्रोन है, विस्फोटक पदार्थ से भरा हुआ है, 100 किलोमीटर इसकी रेंज है और मुख्य बात है अपना लक्ष्य स्वयं ढूंढ लेता है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं और फिर कल मिलेंगे नए टॉप 10 करंट अफेयर के साथ। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।